वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकश्य कृपा सिंधुभ्यवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् वृंदावन तुलसीदेव पियावी केशव सज कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरुण्य धैयम् सदा परिभवन्नम विष्टदुहम् तेथास्पदम् शिव भिरिंचिनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवाद्दिभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवोदुष्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सार मोति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा भतारु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भज भीषनाथम वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संभी वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। मा कुरु धनो जनो जौवन गर्वम हरति निमेषात् कालो सर्वम मयमयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं प्रोविश विदित्वा। मा कुरु धनो जनो जौवन गर्वम हरति निमेषात् कालो सर्वम मयमयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं प्रोविश विदित्वा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर तमाम दुनिया मेरा विरुद्ध चले जाए, मेरा अगेंस्ट चले जाए, फिर भी गुरुपाद पद्म का छत्र छाया में खड़ा होकर वही अपराकित जगत का नित्य जगत का जो सत्य वचन अपराकित जगत का एक मैं कहते रह जाएंगे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, अगर तमाम दुनिया मेरा विरुद्ध चले जाए और जो लोग मेरा पास आया है दीक्षा लेने का बहाना में, ये लोग भी धीरे धीरे मेरे को सारे छोड़ के चले जाए, कोई हर्जा नहीं, फिर भी मैं गुरुपाद पद्मों का छत्र छाया पे खड़ा होकर अपराकित जगत का जो अपराकित सत्य प्रवचन मैं कहते रहूं। बहुत बार चर्चा हुआ था पहले, प्रतिष्ठा नामक जो विषय है इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। प्रतिष्ठा ऐसा एक जिस चीज है, बिना प्रतिष्ठा कोई रह नहीं सके। प्रतिष्ठा हर कोई को चाहिए। कोई अगर कहे कि महाराज हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ मैं कर रहा हूं, वो निस्वार्थ का पर्दे का पीछे और ज्यादा नंगापन दिखाई देगा और ज्यादा प्रतिष्ठा। मैं प्रतिष्ठा चाहता नहीं हूं, बिल्कुल चाहता नहीं। ये जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है इसका पीछे एक राज है कि मैं ज्यादा प्रतिष्ठा चाहता हूं। मैं उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा जो आने वाला है उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा, इसलिए ये घोषित कर दिया मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। ये असंभव है। तमाम दुनिया प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो प्रतिष्ठा का हाथ छुड़ा के भगा, संभव नहीं। प्रतिष्ठा ये शब्दों को विभाग किया जाए व्याकरण में, इसमें आता है स्थिति, स्टेबिलिटी, ये शब्द है। प्रतिप्लास्था यहां प्रत्यय होकर प्रतिष्ठा ऐसा आया है। प्रति प्रत्यय है, अस्था धातु है, स्था मतलब स्थिति, स्टेबिलिटी। विचार किया जाए तमाम दुनिया का कोई स्टेबिलिटी है कि नहीं। तमाम दुनिया जो है हमारा सामने जो दुनिया है और हमारे आंखों का बाहर जो दुनिया है, इन्फिनिटी जो वर्ल्ड है, इसका कोई वास्तव स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, इसको पीछे भी प्रतिष्ठा है। क्यों? तुम साबित करना चाहते हो बड़ा साधु है, बड़ा साधु आया, भगवान ने सारे तोड़ मोड़ कर सब दिखा दिया, ये कुछ भी नहीं, ये बेकार की बातें हैं। बहुत सारे आदमी
विदेश में देश में प्राच्य प्राच्यात्व भूमिका में बहुत सारे आदमी ऐसा भी कहते हैं कि गीता में तो महाराज कोई कहते हैं कि कर्म का तो उपदेश दिया, कोई कहते हैं महाराज ज्ञान का उपदेश, महाराज योग का उपदेश दिया, ये तो साफा है इसमें। कोई कहते हैं कि ऐसा है कि देखो युद्ध करने लगा दिया, अर्जुन की इच्छा नहीं थी या युद्ध नहीं करे ना, भगवान ने जोर जबरदस्ती लगा दिया, वो तो युद्ध काटा पीटी, ये जो पॉलिटिक्स है यही गीता है। जो लोगों का बुद्धि सड़ गया है बेकार, ये सब तरह तरह के विचार बना के किताब लिखता है, कमेंट्री लिखता है, जबकि ये लोग कमेंट्री लिखने का कोई अधिकारी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, राधा कृष्ण है, वल्लभ भाई पटेल फिर भी ठीक है, उसका भक्ति थोड़ा बहुत था, एम जी गांधी को सब मल्ले पीछे लग गया गीता का, सब प्रतिष्ठा का पीछे। गीता का तो ना उद्देश्य है लड़ाई लगाना, ना तो उद्देश्य है तुमको वैराग्यों का रास्ते में दिखा देना, ये देखो वैराग्य है, ना तो भोग का रास्ते में देखा, कुछ भी नहीं है, कोई समझाई नहीं एग्जैक्ट गीता का एक्सट्रैक्ट क्या है। ये कहने के लिए 11th कैंटो का जो खत्म हुआ है उसका बाद जो धीरे धीरे उसका अनुभव में आना चाहिए जी, भगवान का क्या भाव है। हाँ, जो चर्चा हो रहा था इन्फिनिटी वर्ल्ड का, मेटेरियल वर्ल्ड का या अप्राकृत जगत का प्रतिष्ठा का विषय अगर चर्चा किया जाए तो यही निकालेगा सिद्धांत इन्फिनिटी। ये जो मेटेरियल वर्ल्ड, इसका वास्तविक कोई स्थिति नहीं है क्योंकि अनित्य है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये अप्राकृत जगत का बारे में जो विन्यास है, अप्राकृत जगत में जो धाम नाम परिकर वैशिष्ट और उसमें जितना सारे परिकर वैशिष्ट आए, भगवान का लीला आदि जो कुछ भी है, यहां तक कि अप्राकृत जगत में जो प्रतिष्ठा भी है, ये भी इटर्नल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ये प्राकृत जगत का जो प्रतिष्ठा है, इसका कोई स्टेबिलिटी है नहीं। एक आदमी दुनिया भर का प्रतिष्ठा ले लिया, माणिक्य बहादुर श्री 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 अनंत श्री सब ऐसा कर दिया, कोई विश्व प्रचारक हो गया, कोई जगत गुरु हो गया, मेटेरियल जो है, जो वास्तविक जगत गुरु उसका बारे में तो नहीं कह रहा हूं। ये सारे जो प्रतिष्ठा है, ये हम लोग क्योंकि हम लोगों का एक आदत में पड़ गया, हम लोगों का ये आदत नियत खराब हो गया कि जो हम लोग का आदत खराब हो गया, नियत खराब हो गया, जो हम लोग फॉल्स प्रतिष्ठा एंजॉय करना चाहते हैं, तमाम जो प्रतिष्ठा हमारा, हम हकदार नहीं है, जो प्रतिष्ठा का लिए मैं हकदार नहीं हूं, बिल्कुल नहीं है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया दे रहा है, तो ये प्रतिष्ठा को एंजॉय करने के लिए मेरा अंदर में चाहत है। याद है पिछले दिन चर्चा का ब्रह्मो प्रमाद विप्रोलिशा कर्ण प्रताप, ये चारों जो डिफेक्ट्स है जीवों का, ये बहुत हंगामा मचा के रख दिया, इसका बाहर कोई नहीं जा सकता। एक चीज को दूसरा समझ के रखना, ब्रह्मो प्रमाद है जो जो कुछ एक चीज जैसे भ्रम है, एक चीज को दूसरे समझ के रखना भ्रम है, भ्रम जैसे शंकराचार्यों का संप्रदाय में कह रहे हैं कि रज्जु में, रज्जु मतलब रस्सी में, रस्सी में सर्प 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 सांप सांप का अचानक एक रस्सी लटक रहा था और मूनलाइट में सांप है ना, चंद्रमा का रोशनी गिरा उसमें, ऐसा लगा कि सांप है लेकिन हवा में लटक रहा है, बाद में पता चला अरे ना ये तो सांप नहीं है,
ये ब्रह्म है। और मुक्ता में रजत ब्रह्म पारल जानते हो ना, मुक्ता में रजत चांदी ब्रह्म होता है। एक साथ बहुत मुक्ता है, दूर से देखो कि चांदी रखा हुआ है लगेगा, ये भी ब्रह्म। प्रमाद मतलब एक चीज को दूसरा समझ लेना, एक चीज को दूसरा समझ लेना, समझा, ये है प्रमाद। विप्रलिप्सा मतलब है सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे को धोखा देना और अपने आप को धोखा देना। ये जो भजन में मैं चालाकी कर रहा हूँ, भोजन का होशियार, राम भजन का अलसी, ये जो होशियारी दिखा रहा हूँ, ये किसका किसका नुकसान हो रहा है, ये मेरे का ही नुकसान हो रहा है। विप्रलिप्सा करना पार्ट ऑफ मतलब अपना, हमारा जो सेंस ऑर्गन है सारे डिफेक्टिव है, सारे डिफेक्टिव है। आंखें का दर्शन परफेक्ट नहीं है, कानों का श्रवण का पावर वो परफेक्ट नहीं है, जीवा का आस्वादन का परफेक्शन नहीं है, त्वचा का स्पर्श इंद्रियों का जो परफेक्शन वो भी नहीं है, कुछ नहीं, सारे डिफेक्टिव। कोई अगर चर्चा हो और जो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम, ये सब जो उपदेशामृत जो चर्चा होगा गीता का बाद, तब इसमें दिखाएंगे कैसे कैसे उसमें फैलासी है। सारी इंद्रियां जो है हमारा डिफेक्टिव है, वो इंद्रियों के द्वारा और मेटेरियल मन के द्वारा अप्रागित जगत में प्रवेश करने का जो अधिकार मैं चाहता हूं, इसमें ट्रेसपसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। जोर जबरदस्ती प्रवेश करने जाओ तो ट्रेसपसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। बचपन में पढ़ा था, एक दैत्य है वो बच्चा लोगों को खेलने नहीं देता अपने गार्डन, अरे गार्डन है बागान बगीचा है, खेले बच्चा नहीं खेलने देंगे, बचपन में पढ़ा था। ट्रेसपसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, लिख के टंग दिया है, जोर जबरदस्ती घुसने का कोशिश मत करो। तो अपरागित जगत में ये भी बार बार ये कह चुका, चर्चा हुआ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रप मनसा सहो, मन का साथ जड़ इंद्रियों एक लात खाके पीछे हट जाता, वो अपराकित भूमिका में अपराकित वस्तु रहते ही हैं, वो सरल वस्तु है, अच्युत वस्तु है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बद्ध अवस्था डिस्प्लेसमेंट हर वक्त है ही है। जब तक शास्त्रीय सिद्धांतों में पक्का न हो जाए शास्त्रीय श्रद्धा, जब तक शास्त्रीय श्रद्धा में एकदम पक्का बैठ ना जाए, तब तक कोमल श्रद्धा व्यक्ति का हर पल पल में मसीबत है। कोमल श्रद्धा व्यक्ति जिसका श्रद्धा का रिजिडिटी नहीं है, पक्का भूमिका में नहीं उतार आया है अभी तक, ये जो कोमल श्रद्धा व्यक्ति है इसका पल पल में एक एक पल में मुसीबत है। और शास्त्रीय श्रद्धा है पक्का, फिर भी जाने अनजाने में कोई वैषम अपराध हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है, इसका चर्चा अभी नहीं है। जो भी प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग अगर तमाम दुनिया मेरा विरुद्ध में चले जाए, इतना ही नहीं जो लोग मेरा सामने आया है दीक्षा लेने का बहाना करके, ये लोग भी धीरे धीरे मेरे को छोड़ के चले जाए, फिर भी मैं निडर होकर निर्भीक होकर यही परम सत्य वस्तु सत्य वस्तु गुरुचरण का छत्र छाया में खड़ा होकर वही अप्राकृत जगत का अप्राकृत सत्य कीर्तन करते रहूं, क्योंकि मेरा हरिकथा कीर्तन जो है भगवान का तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, और किसी का संतुष्टि के लिए नहीं है। जो बात चर्चा हो रहा था, प्रतिष्ठा मेरे को नहीं चाहिए, ये सरासर गलत बात है, झूठा है। अपरागित जगत का प्रतिष्ठा पक्का है,
प्राकृत जगत का प्रतिष्ठा बिल्कुल नाजुक है, फ्रेजाइल है, चूर चूर होके गिर जाएगा। जैसे रावण का प्रतिष्ठा है, इंद्र महाराज का प्रतिष्ठा है, सारे घुमंडी है, किसी का प्रतिष्ठा टिकने वाला नहीं, आज नहीं तो काल जाएगा ही जाएगा। सिर्फ एक है जो वैष्णवी प्रतिष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा का स्टेबिलिटी है, इसलिए क्योंकि वैष्णवी प्रतिष्ठा का स्टेबिलिटी इसलिए है, तमाम प्रतिष्ठा का जो परंपरा गुरु परंपरा का अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार तमाम प्रतिष्ठा आकर गुरु तत्व नित्यानंद जी का चरण कमल में पहुंच जाए। प्रपात कहते रहते हैं, अक्सर पहले कहते रहते थे, जो अगर कोई प्रतिष्ठा लाभ प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आया मेरा जिंदगी में और उसको मैं बाटपारी किया, चोरी किया है, इसको मैं लूटने का कोशिश किया, तो जिंदगी भर के लिए मेरे को पछताना पड़ेगा। जो भी प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा जिंदगी में आए, तमाम ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा का हकदार है गुरुचरण, गुरुचरण और गुरु परंपरा के अनुसार हर गुरुपाद पद्मो सदगुरुपाद पद्मो उसका गुरुचरण में समर्पित करते करते अंतिम चरण में जो भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कंच जो भी आए तमाम पहुंच जाएगा भगवान का, भगवान भगवान नित्यानंद का चरण कमल में, नित्यानंद चरण कमल में ही वैष्णवी प्रतिष्ठा का स्टेबिलिटी है। इसीलिए वैष्णवी प्रतिष्ठा का पीछे अगर कोई बोले हमको वैष्णवी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको नरक में जाना पड़ेगा। वैष्णवी प्रतिष्ठा जरूरी है क्योंकि वैष्णवी प्रतिष्ठा मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। और कभी चर्चा हो पाएगा फिर भी दोबारा चर्चा, पहले थोड़ा किया था, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनो मुमुक्षोभि परित्याग वैराग्यम फल्गु कथते अनासक्त विषयान यथारहु उयंजतः, ये जो श्लोक है दो, ये रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी पाद जी ने, बहुत वाइटल श्लोक है। वाइटल सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि पूरा गौड़ीय भजन का, पूरा गौड़ीय भजन का जो फाउंडेशन है, प्रिंसिपल फाउंडेशन है, इसका ऊपर बेस करके, इसका ऊपर बेस करके पूरा विचार बनाया हुआ है गौड़ीय भजन में। और ये युक्त वैराग्य का ही एक रहस्य है, अभी चर्चा करने का टाइम नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने के लिए कपट भाव आश्रय करके जो गौड़ीय मठ में आया, मठ का आश्रय किया, अनुगत तो स्वीकार किया है, दिखावा, इन लोगों का साथ मठ का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं नदी पार करने के लिए किश्ती का जरूरी है, नदी पार करने के लिए, नदी पार रिवर, नदी पार करने के लिए किश्ती का जरूरी है, नैया का जरूरी है। एक मजदार जो नैया को चलाए, ऐसा मजदार भी चाहिए, ऐसा कंसेप्शन लेके, चिप कंसेप्शन, ऐसा का सस्ता विचार लेके कोई गुरु करना जरूरी है, अरे महाराज गुरु करना जरूरी है, ठीक है हम भी कर लेंगे, ऐसा करके जो गुरु बनाया है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग मेरे को जिंदगी में दिखाई नहीं, मेरा चरण आश्रय लेना तो दूर की बात है, ये लोग मेरे को दिखाई नहीं जिंदगी में, मेरा साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं कभी भी ये लोग का संग नहीं किया, ये लोग भी कभी भी मेरा संग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और जिंदगी में आखिरी जो दिन है, जो दिन जो कुछ भी दिन बाकी हुआ बाकी है, इन दिनों में भी ये लोग का संग करने का मेरा इरादा नहीं, इच्छा नहीं, ये सब कपट है, कपटी
ऐसा भी हो सकता पहले से ये लोग कपट नहीं था, जब भजन में आया था तब कपट नहीं था, लेकिन बाद में अपराध करते करते गुरु वैष्णव चरण में ये भक्ति से विच्युत होकर सेपरेट हो गया। मायादेवी का जो यूनो मायादेवी का जो व्यवस्था है, मायादेवी का जो माया का सागर है, इसी में डुबकी उठक उठ यूनो डुबकी लगा रहे। प्रभात कह रहे हैं जब गुरु का साथ कोई तर्क का रास्ते में जाता है, जब सदगुरु का साथ कोई तर्क का रास्ता चुन लिया, तब ये जान के लगना ये अखज ज्ञान में गुरु जी को नापने का कोशिश कर रहा है। मेजरमेंट, गुरु कैसा लंबा है चौड़ा है, कितना पैसा है, कितना ज्ञान है, क्या प्रवचन दे सकता है, ये सब मेजरमेंट अक्षय ज्ञान गुरु को नापने का विचार कर रहे हैं। गुरुदेव का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं है। गुरुदेव का अनुकरण करने से अमंगल सर्वनाश 100%। ये सारे जो दुर्बुद्धि हैं छोड़कर गुरुचरण में सदगुरु चरण में टोटल आत्मसमर्पण करके अगर भजन करे, उसका आदेश निर्देश का पालन करे तो तमाम चीज समझ में आ जाए, तमाम मंगल का रास्ता में चल पड़े। जितना अर्थ है, विद्या है, एफिशिएंसी है, योग्यता है, पांडित्य है, हमारा बहादुरी है, ये भक्तों लोगों का जिंदगी में कोई नेसरी नहीं है, कोई जरूरत है नहीं। ये हमारा जिंदगी कोई जरूरी नहीं है कि हम अर्थ संग्रह का पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, या तो ज्यादा विद्वान होने का कोशिश करें कि आदमी सम्मान करे ये विद्वान है, या तो कोई विशेष एफिशिएंसी है इसको भी काम में लगाए, पंडिताई है, बहादुरी है बहुत सारे चीज करने का, ये सब इकट्ठा करना हमारा भक्तिमय जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा इकट्ठा करें, विद्या इकट्ठा करें। भक्तिविनोद ठाकुर भोपाल जी को उपदेश दिया था इसका बहुत सारे, एक चिट्ठी पे कभी चर्चा हो पाए। भक्तिविनोद ठाकुर ने चिट्ठी लिखा अंतिम समय में विमला प्रसाद को, क्या क्या बोला है सब काल हो सके तो चर्चा होगा। तो ये सब जो एफिशिएंसी, ये सब भगवत सेवा में लगे तो उसका कीमत है, नहीं तो कोई कीमत है नहीं। ये बहादुरी दिखाने जाए तो इसके कारण जीव गुरु कृष्ण सेवा से वंचित होकर रह जाए, वंचित हो जाएगा। जो चर्चा हो रहा था जे एकादश स्कंद विश्वरूप आदि देखने का इच्छा प्रकट किए तो दर्शन हो गया, वो भी भगवान का जो कृपा शक्ति है। इसके अलावा अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करना क्षुद्र जीव के लिए असंभव है, हैरान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांड को दर्शन करना किसी का काम नहीं, संभव नहीं, एक भगवान का करुणा कृपा के द्वारा संभव हो गया। और ये बात चर्चा हुआ था अगले दिन जे अब अर्जुन बीच में फंस गया। अर्जुन कह रहे हैं कि क्या हो गया, पहले जो मेरा मैं समझ के रखा है कि मेरा दोस्ती टूट गया, अभी अब तो डर लगने लग गया, ये क्या देख रहा हूँ, क्या है, किसे कौन है, ये पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है, ये कोई समय में नहीं आ रहा है। तमाम विचार जो है बद्धजीव के अंदर में तरह तरह का विचार बनता है, तरह तरह का विचार बनता है बद्धजीव के अंदर में। ये सारे जो विचार बनता है उसका पीछे क्या है, फॉल्स ईगो, डुअरशिप,
और कुछ नहीं। पता किया जाए तमाम ये जो उठते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं हर वक्त, ये जो एक एक तरह तरह का विचार, इसका पीछे क्या है? इसके पीछे एक चीज है, रहस्य है, वो है बद्ध जीवों का अभिमान, डुअरशिप, कर्ता अहम इति मन्नति। और भगवान खुल्ला में खुल्ला बता दिया अर्जुन, सारे जो जो इतना सारे समस्या है उसको फेंको, इसका पीछे एक ही कारण है, उसका कारण है मैं करता हूं और निमित्त मात्रम भव सब साचिन, ये इस बात को ध्यान दो और कुछ नहीं, बाकी सब हमारा काम है। श्याम सुंदर का हाथ में जो बंसी होता है, बंसी ध्वनि करता है भगवान, और बंसी कह रहे हैं कि मैं तो एक सूखा लकड़ी हूं, बैम्बो, बांस है ना, बैम्बो है, उसका एक लकड़ी का टुकड़ा हूं मैं, और कुछ नहीं है। बेनु गीता में जब चर्चा हुआ था अंग्रेज में, वो सब बहुत खुल्ला में खुल्ला चर्चा हुआ था, बेनु गीता इसका चर्चा हुआ था। बंसी कह रहे हैं कि मैं एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा हूं, मेरा एक भी शब्द करने का कोई हिम्मत है नहीं, और तरह तरह का ट्यून जो है, सुर है, लहर है, संगीत का, ये कहां से मैं। जब श्याम सुंदर भगवान अपना हाथ में लेकर और एक एक छिद्र में अपना वायु संचालित करे, उंगली संचालित करे, तो एक एक किस्म का सुर का मूर्छना निकालते रहते, आदमी को पागल बना दे, इतना सुर है, इतना सुंदर शब्दों का विन्यास है, ये सोच भी नहीं सकता कोई। शंकर ब्रह्मा सब ये जो कोयल वन में, ककीला वन में, ये जो जुगलगीत में आता है, ये जब बंसी ध्वनि कर रहा है कृष्ण और बलराम, तो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी आदि सब देवता लोग आए, अनिश्चित तत्या, अनिश्चित तत्या मतलब मारे शंकर भगवान का संगीत का विशेषज्ञ है, संगीत नित्य नटराज, संगीत गान बजाना और नृत्य करना वो तो एक्सपर्ट है, फिर भी शंकर कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा लहर जो है, सुर का मूर्छना जो है, ये जिंदगी में सुना ही नहीं। मैं सरताल का मास्टर हूं, सुरताल का मास्टर हूं, ये भगवान क्या गा रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है जुगल गीत में अनिश्चित तत्या है, ये जो कंदर है, मस्तक जो है, अवनत मस्तक, अपना सर को झुकाकर, अवनत मस्तक, अपना सर को झुकाकर चिंता कर रहे, महाराज जिंदगी में इतना संगीत किया, इतना कुछ किया, कभी ऐसा तो नहीं देखा, ये कौन सी लहर है, संगीत का लहर है, क्या है? अनिश्चित तत्या, मेरा कहने का मतलब है जब बंसी कह रहे हैं कि मेरा तो कोई हिम्मत नहीं, अगर ठाकुर जी हाथ में ले ले और बजाना शुरू करे तो मेरा सम्मान आ जाएगा, तो बंसी का लिए जो सम्मान है, बंसी का वादन कर रहे कृष्ण और बंसी ध्वनि हो रहा है, और इसके लिए जो प्रतिष्ठा बंसी का जिंदगी में आ रहा है, ये वैष्णवी प्रतिष्ठा है, बंसी का लेने का कोई अधिकार है नहीं, ये भगवान का है, भगवान का ही है प्रतिष्ठा। सिर्फ इतना ही चाहिए, बंसी का लिए क्या जरूरी है? बोले बंसी का लिए जरूरी है हलो होना, हलो मतलब अंदर में कोई बांस का या कोई रुकावट ना रहे, इट शुड बी हॉलो, हॉलो जानते हो ना, बीच में कुछ नहीं रहे, ऊपर में तो छिद्र रहता है बंसी ध्वनि करने का, लेकिन अंदर में बंसी का एक ड्यूटी है कि अपने को हॉलो बनाना, खाली बनाना, खाली अंदर में, कोई अहंकार अभिमान रहा है, आई बात समझ में। बंसी का ये काम है अपने को हॉलो बनाना, फ्री ऑफ फॉल्सिगो, ये हमारा जिंदगी में ये आता है।
जो भी है, अब अर्जुन का चिंतन हो रहा है, एक तरफ विश्वरूपी भगवान है कृष्ण, एक तरफ मेरा दोस्त कृष्ण है, दोनों ही अच्छा है, खराब किसी में नहीं है। इसका बारे में 12वां अध्याय जो है इसमें चर्चा हो पाएगा। अगले पिछले दिन चर्चा हुआ था 11वां अध्याय का अंतिम वाक्य जो है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगो वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः सममेति पांडवः। मत कर्म की पिछले दिन चर्चा हुआ था, याद दिला रहा हूं। मत कर्म कित का ये शब्दों के द्वारा कर्म योग का सार बता रहे हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु पद के द्वारा ज्ञान योग का परम संवाद। संग वर्जित शब्द में योग मार्ग का मूल वार्ता है। इस सिलसिले में उठाया था कपिल देव का जो वाणी है, माता दिवाहती का पति संगो जो संस्थित हेतु हो असस्व धीतो विहितो धिया स्व एव सदसुकृत निस्संगताय कल्पते। योगों का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योगोस्तु चित्त चित्त निरोधः। योगस्तु चित्त निरोध, योग मतलब पहले चित्त को निरोध करो, इसका चर्चा आएगा हम करेंगे। तो मद भक्तों का पद में भक्ति योग का संवाद दे दिया। मत परमो ये शब्दों के द्वारा प्रेम भक्ति का इंगित दिया। आई बात समझ में? ये भगवान जो है मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त हो संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः सममेति पांडवः। ये जो मद भक्तो पद के द्वारा भक्ति योग का संवाद और मत परमो इस शब्द के द्वारा पराभक्ति का अर्थात प्रेम भक्ति का इंडिकेशन इंगित दे दिया। तो किसी का हिम्मत नहीं कि ये स्थापन करे कि गीता का उद्देश्य महाराज कोई एक्स मिशन कहता है कि ये तो कर्म योग का बोला है, हम लोग कर्म करते रहते। सरासर गलत भावना है, सरासर गलत भावना है। गीता में भगवान जो तमाम दुनिया के लिए उपदेश दिया, जिसका जो पोजीशन है, जिसका जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का मुताबिक गीता से उपदेश को चयन करके रख देगा। आई बात समझ में? जिसका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के पे खड़ा होकर गीता में आधारित जो ज्ञान है, इस ज्ञान में से जो जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म का मुताबिक वो अपना ज्ञान को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा। कर्मयोगी सब कर्मों का बात, ज्ञान योगी सब ज्ञान का बात है, समझा? एक एक मार्ग जो जिसका जिसका जैसा स्थिति है उसका मुताबिक उपदेश गीता से मिल जाएगा। इसीलिए गीता में कर्म ज्ञान योग भक्ति पराभक्ति ये पांच भूमिका का विषय चर्चा हुआ है। कोई अंधा आदमी देख नहीं सकता, वो तो उल्टा पल्टा बोलेगा। असली बात तो ये है, गीता का अंदर में कर्म का भी उपदेश किया, ज्ञान का भी, योग का ही है, भक्ति का और पराभक्ति, पांचों किस्म का उपदेश दिया। ये क्यों किस लिए किया? इसलिए किया कि मानव जाति का एक एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे आदमी से अलग होता है, एक नहीं। जो जिस भूमिका में है उसी भूमिका का अनुसार वो अपना गीता से उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए किया। इतना सुंदर डेकोरेटिव है। अब बात ये आता है, फिर भी ये चर्चा हुआ, राय रामानंद संघवान में भी चर्चा हुआ,
गीता का भी पहला और सेकंड अध्याय, पहला नहीं सेकंड अध्याय में चर्चा हुआ था, फिर भी याद दिलाने के लिए थोड़ी शब्दों में इसको क्लियर करने का, समझने का कोशिश कर रहा हूं मैं स्वयं। कर्म करने के लिए मजबूरी है, हर आदमी कर्म करना ही चाहिए, बिना कर्म कहां जाए है? कोई अगर कहे मायावादी हमने कर्म से संन्यास ले लिया, और महाराज कैसे ले लिया, कैसे ले लिया, जब भगवान कहे कि तुम कर्म छोड़ने का कैसे हिम्मत किया, कैसे तुमने तैयार कर लिया, कैसे तुमने प्रवचन कर दिया तो तुम कर्म छोड़ दिया, कर्मों से संन्यास कर लिया है, ऐसा कैसे? बोले क्यों? अरे तुम्हारा जो जिंदगी जो है, उठना बैठना चलना खाना सोना बातें करना, ये तो सब कर्म ही है, तो तुम कैसे कर्म से पड़े हो गया है? बात ये आया, बात जरा सा लिए है, कर्मो हर कोई को करना ही पड़ेगा, बिना कर्म कोई नहीं रहे। कर्म बंधन का कारण इसलिए बन जाता है, दूसरा चैप्टर में बहुत खुलासा हुआ था, फिर भी याद दिलाने के कह रहे हम, कर्म बंधन का कारण तब होता है जब कर्तृत्व डुअरशिप और उसके लिए फल, ये कर्म करने जा रहा हूं उसका क्या फल मिलेगा, ये फल, ये बंडेज का कारण है, कर्मो बंधन का कारण बिल्कुल नहीं है। कृष्ण पितार्थे, भगवान का संतुष्टि के लिए अगर कर्म का अर्पण करे, कर्मार्पण अच्छा है, कोई बात नहीं, मत कर्म कृत ये पत्ति, ये इसको याद दिलाने के लिए भगवान अभी याद दिलाने के, भक्ति योग बारवा स्कंद में भक्ति योग का शुरुआत हो उसका पहले भगवान री अनाउंसमेंट कर रहा है, जो देखो याद है ना, मत कर्म की इस पद के द्वारा याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ भी करो ये मत कर्म कित, और मत कर्म कित ये शब्द जो है इसके द्वारा बहुत चर्चा हुआ था, बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं है कर्म में फल में, फिर भी अगर ये भावना आया कि कर्म तो मैंने ही किया था ठाकुर जी के दे दिया, अरे महाराज हमको कर्मफल नहीं चाहिए, और हैं कर्मफल नहीं चाहिए, भगवान को दे दिया ठीक है चलो, भगवान को अर्पण कर दिया, हमको कर्मफल नहीं चाहिए, फिर भी अगर ये भावना आया, भावना का स्मेल कि कर्म तो मैं ही किया था, ये कौन किया था, मैंने किया ना करके तो दे दिया, बस हो गया, तो ये अभी समझ लो कि क्या गहरा विचार है। और ज्ञान के बारे में विचार करने जाए ज्ञान मार्ग में, तो ज्ञान तो हर कोई का थोड़ा बहुत होने, ज्ञान किसी का नहीं है क्या है, किसका ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, तरह तरह का ज्ञान है, ज्ञान धातु ज्ञान, ज्ञान धातु जाना, ज्ञान धातु जो है इसका मतलब जानना, जैसे कर्म प्रवणता, जैसे जैसे कर्मों का टेंडेंसी है ऐसा भावना भी आते रहते, वृत्ति वृत्ति अंतरात्मा का जो इंस्टिंक्ट वृत्ति जो है वो भी विचार है, बिना जाने कुछ भी रोशनी करने जाए तो जानना पड़ेगा, रास्ता में चलने जाओ तो जानना पड़ेगा, तो जानना तो है ही है, बिना जाने कोई रहे कुछ भी है, एक पागल भी कुछ जानता है इसको खाने का वस्तु है, हैं? इसीलिए गीता में चर्चा किया था ना, बिना उद्देश्य मंदधीर ओपी न प्रवर्तन थी, जो पागल भी है बिना उद्देश्य कुछ नहीं करता, कुछ भी उसका अंदर में खुला हल्का फुल्का बुद्धि भी है, और ईश्वर का लिए ईश्वर प्रीत्वार्थे, भगवान का प्रीति के लिए कर्म करे तो ये इसमें भी तो ज्ञान का जरूरी है नहीं है, हैं? ईश्वर का प्रीति के लिए कर्म करने जाए तो महाराज ज्ञान का जरूरी है नहीं क्या, तो जरूरी है, ईश्वर कौन है, कौन होते हैं, इसका स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसे संतुष्ट हो जाए,
कैसे हमको देना पड़ेगा है? ये सब सारे विचार जो है ईश्वर के, और अंतिम में ईश्वर को जानना ही वास्तव जानना, ज्ञान का परिसमाप्ति है ईश्वर को जानने में। फॉलो, विद्या तत् यत् मतिर्यया, विद्या जानना, विद धातु जानना ज्ञान, सविद्या तत् मतिर्यया। भगवान उद्धव को बोलो ये विद्या तो उसी को बोला है जिसके द्वारा मेरा बारे में मेरा स्वरूप ज्ञान हो जाए। जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातुम भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तुम भवति, जिसको प्राप्त करने के लिए और कुछ द्वारा किस चीज प्राप्ति करने की इच्छा ही शेष नहीं रह जाता। ईश्वर को प्राप्ति करने का बाद दूसरा कोई चीज प्राप्ति करने का जो आकांक्षा है, कोई आकांक्षा नहीं रह जाता। जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तुम भवति, जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञात भवति, जिसका जानने का बाद और दूसरा कोई जानने का जरूरी है नहीं, सब जान लिया। ईश्वर को जानने के लिए तरह तरह का विचार बनाता है, शिष्य स्थिति लय का निमित्त कारण उपादान इत्यादि बहुत सारे तरीका है, और कोई कोई परमात्मा के रूप में भगवान को जानने का कोशिश कर रहा है, कोई कोई श्याम सुंदर का, जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्वम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी, ये जानना सबसे ऊंचा है, राग मार्ग का सबसे ऊंचा चीज है। तो जो भी है, और जो ज्ञान है, ज्ञान निखिल जीवों का आत्मा जो है, निखिल जीवों का आत्मा जो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, निखिल जीवों का आत्मा भगवान है, निखिल जीवों का आत्मा है भगवान। कहने का मतलब है ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो हर वस्तु में हर व्यक्ति में वही भगवान का दर्शन होता है। ज्ञान पूर्ण अवस्था में पहुंचे, पक्का अवस्था में, आत्मा का साथ, आत्मा का एक एक व्यक्ति के साथ दूसरे आदमी का भेद दर्शन समाप्त हो जाता है। तब को बोलता है समदर्शन, जो मान पश्यति सर्वत्रो, ये जो श्लोक बताया था। तब इसी समय में जब समदर्शन हो जाए तो घृणा बोल के साधक जो घृणा विद्वेष हिंसा इसका अतीत हो जाता है, इन सभी का अतीत हो जाता है। अब अंदर में घृणा विद्वेष हिंसा कुछ नहीं बच, कुछ नहीं रह, शेष नहीं रह जाता। और उसी समय में निर्वैराह सर्वभूतेषु, ये जो श्लोक है ये एप्लीकेबल है। दूसरा कोई तरीका नहीं है जिसमें निर्वैर सर्वभूतेषु भाव आ जाए, ये संभव नहीं। और जोग का बारे में बताया, जोग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध करना, ये स्वाभाविक है। जोग मतलब जोगाजोग, अटेंशन, मैं पढ़ाई लिखाई में अटेंशन देना चाहता हूँ तो दूसरा चीजों से मेरा चंचल चित्त को हटाना पड़ेगा। जितना सारे जीनियस लोग है, हम तो भक्तों का बारे में अभी तो चर्चा हो रहा है, फिर भी अगर मेटेरियल दृष्टिकोण में कोई अगर जीनियस आप देखो, ये जो जीनियस व्यक्ति है उसका जिंदगी देखना, क्यों ये जीनियस है, क्यों मैं जीनियस नहीं हूं। ये जो जीनियस व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, सब है, देख लेना, जीनियस व्यक्ति है, इसका एक चीज है, इसका लगन बहुत पक्का है। भक्ति राज्य में ऐसा देखा है, वो अटेंशन बहुत पक्का है, दिमाग बहुत तेजदार है, उसका दिमाग इतना तेजदार है बहुत सारी चीज याद रख सकता है,
प्रवचन भी दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं उसका भक्ति है। मेरा कहने का मतलब है जिसका जितना अटेंशन ज्यादा है वो अपना कामयाबी का रास्ते में आगे चलता है। जीनियस व्यक्ति का एक लक्षण है वो बहुत शांत होता है। शांत अप्राकृत विचार में तो शांत हम नहीं बोल सकता क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये गलत सिद्धांत तो नहीं बच सकता। फिर भी जीनियस व्यक्ति का जिंदगी देखो देखो ये पीसफुल है, चुपचाप, चंचल नहीं है, चंचलता कम है। जब भी चंचल है शास्त्रीय का विचार से, तो जो भी है जोक का मतलब है एक चीज में मैं लगन लगाना चाहता हूं को दूसरे तमाम चीजों से मेरा मन को लगन हटाकर इसी चीज में लगाना है, यही तो है ना। ये तब तक संभव नहीं है जब तक मैं हजारों चीजों में अपना मन को बंटवारा करके रख दिया। सर्वसंग विवर्जिता, संग वर्जिता, जो कपिल जी महाराज जी माइया को बताए ते तमाम ये दुनिया का जितना सारे संग हो, चाहे रजतम संग हो चाहे सात्विक संग हो, चाहे रजतम संग हो क्या सात्विक संग हो, बंधन तो बंधन ही है। ये तो थोड़ा अच्छा है तमगुण का जो ये है, इससे रजगुण अच्छा है, रजगुण से सतगुण अच्छा है, फिर भी बंधन का कारण बन जाएगी, बंधन का कारण। संगो जो संसद हित हो असस्व भी तो दिया स्वये वो साधुसुख साधुसुख कृत निस्संगताय कल्पते। जब अप्राकृतो सतगुण का अधिकारी, अप्राकृत सतगुण का अधिकारी सदगुरु वैष्णव जो है, इन लोगों का साथ अगर मेरा संग हो जाए तो मेरा प्राकृत जगत का रजतम सतगुण का जो संग का बहाना है इसमें जितना सारे बंधन का कारण बना था अभी यह छूट जाएगी, अब नहीं समस्या नहीं टिकेगी। तमाम बन तमाम जो संग है दुनिया का सतो रजतमो किसी किस्म का संग करो है, रजस्तम प्रकृतयो समशीला भजंती बोई, याद है ना अंग्रेजी में कहावत है बर्ड्स ऑफ ए सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, मृगा मृगई संगमम अनुप्रजंती, बोला था ना, या है गावस्य गोभी है सुंदर, गोमाता का सत्संग करेगी है, हिरण का संग करेगी, हिरण का झंडू में जाए है, यही तो है ना। रजस्तम प्रकृत समाशिला भजंती भाई, ऐसा ही रहता है। तो ये विभाग है जब संग वर्जित हो, जो बात है जो साधना में जब सिद्धि बन जाए तमाम संगों से वो एकदम मन को हटाकर निर्विकल्प समाधि, ये तो योग मार्ग में है। इसका जो वास्तविक जो यूटिलिटी है, जो निर्विकल्प समाधि बता है ना, ये वास्तविक इसका यूटिलिटी है अगर भगवान का ध्यान करें भक्ति के द्वारा, नहीं तो ये ऐसा किस्म का ध्यानी व्यक्ति जो ध्यान किया इसका भी ध्यान टूट सकता है। बहुत सारे पंचम स्कंद में हैं, पंचम स्कंद में है प्रियव्रत का पुत्र है अग्निध्रो का पुत्र, तमाम पंचम स्कंद देखे बाबा रे कैसा क्या हुआ, और भरत जी महाराज का भी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। अरे संग सबसे खतरनाक है, अब बिना संग रह नहीं सकता, एक ही संभव है महाराज, ये कैसे संभव है बिना संग कैसे रह जाए, संग तो जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन संग विचार करके करना है। संगो यो संग से रह तो जो संग जो है हमको बंधन में डालने वाला है वो संगो नहीं करना चाहिए।
जोगों का ये जो संग वर्जित है योग साधना का सिद्धि, इसलिए इशारा कर दिया भगवान। अब इसका बाद ये 6 नंबर अध्याय का 45 श्लोक द्वारा विचार करना जरूरी है इस सिलसिले में। इधर प्रयत्नात् जतमानस्तु योगी संशुद्ध किलवेशः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परमां गति। प्रयत्नात् बहुत यत्न करना पड़ता है। प्रयत्नात् जतमानस्तु योगी संशुद्ध किलवेशः बहुत बहुत एनो आफ्टर काउंटलेस एफर्ट चेष्टा पे की चेष्टा चेष्टा पे चेष्टा करते करते प्रयत्नात् प्रकृष्ट यत्नात् प्रयत्नात् यतो मानस्तु योगी संशुद्ध किलवेशः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। उसका बाद इसका परम गति को प्राप्त करता है, वो कोई आसानी बात नहीं। लेकिन भक्ति योग का मार्ग में बहुत आसान है, यहां तक कि अनपढ़ व्यक्ति है, यहां तक कि पशु पाखी है, ये भक्ति का किसी भी संयोग हो गया इसका तो तरक्की हो जाएगी। जैसे गोपालदास बोल के हाथी का नाम उठाया था, रसिकानंद प्रभु जिसको चेंज कर दिया साधु संघ में, बाकी जिंदगी भर ये हाथी जो गोपाल दास जो है वो सेवा किया गुरु वैष्णव का। कहने का मतलब ये है भक्ति योग इज द इजिएस्ट प्रोसीड्योर थ्रू विच वन कैन अटेन सक्सेस, एब्सोल्यूट सक्सेस। और ये भक्ति का माने है सा ईश्वरे परानुरक्ति। आई बात समझ में? ये जो है सांडिल्य ऋषि कुछ फॉर्मूला बता दिया, इसको बोला है सांडिल्य भक्ति सूत्र। नारद जी महाराज भी है तो भक्ति जगत का आचार्य जो है ही है, ये भी एक फॉर्मूला बता दिया कुछ नारद जी महाराज, इसको बोलता है नारद भक्ति सूत्र। आज सांडिल्य भक्ति सूत्रों में बताया गया स्वा ईश्वरे परानुरक्ति, पर अनुरक्ति ट्रिमेंडस अट्रैक्शन एफिनिटी फॉर भगवान। और ये भगवान भी खुल्ला में खुल्ला ऐलान कर दिया भक्त्या अहम एकया ग्राह्यो, भक्ति के द्वारा ही हमारा स्वरूप जवान अहम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथैव विज्ञान मस्तुते मद अनुग्रह। भक्ति के द्वारा भगवान का अनुग्रह मिलते रहता है और इसके द्वारा भगवान का स्वरूप को जानने का बाद इसका बाद मत परम हो भगवान जो परम गति है पराभक्ति है मधुमय है भगवान जो मधुमय है ये अंतर भगवान का हृदय का अंदर मदन्नते नयनंती ना हम तेभ्यो मनाग उपी मनाग मने स्लाइट ना हम तेभ्यो मनाग उपी। भक्त लोग जो है मेरे को छोड़कर कुछ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, और भगवान कहते मैं भी भक्त छोड़कर कुछ जानना नहीं चाहता हूं। मदन्नत ते ना जनंती ना हम तेभ्यो मना गोपी, मना मैंने जरा सा भी मैं जरा सा भी अपना भक्त छोड़कर बाकी चिंता नहीं करना चाहता। तो देखो 18 अध्याय में आगे चलकर कंक्लूजन हो जाएगी भक्ति का, ये 18 अध्याय का 54 श्लोक। तो जो लोग बताया था जैसे बंकिम बाबू ये वंदे मातरम वाले ये बताया महाराज 11 स्कंद में खत्म होने से ठीक है तो हो गया, आप क्या चाहिए है? अंधा है, इसका अंधापन है, कुछ नहीं जानता। गीता एक संगीत है जो सरग्राम से निकाला हुआ
उसमें आकर संगीत शुरू हुआ है ना, संगीत ऊंचा 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 सर्वग्राम में पहुंचा, उसके बाद रिटर्न आना है, आके खत्म हो, खत्म होने का समय में उसी शब्द को दोहराना चाहिए जो शब्दों देखे शुरू आते हैं, जो शब्दों देखे शुरू आता ना उसी में आकर संगीत का विश्राम होती है। ये जो लोग कहते कहते हैं, बहुत सारे आदमी कहते हैं यार, अरे महाराज सब तो हो गया, विश्व रूप दिखा दिया, उसका बाद सब कुछ हो गया और क्या चाहिए, ये गलत बात है। और 18 स्कंद में 55 श्लोक को चुन चुन के दिखाना जरूरी है, क्यों, आदमी अंधा है, देख नहीं सकता। यहां लिखा हुआ है जो हम अक्सर पिछले 2-3 दिन में कह रहा हूं ना, पिछले दिन भी पिछले हफ्ता में, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम, भगवान का हृदय में भी भगवान का हृदय में घुसना है हमको, भगवान का हृदय में घुसना है हमको। ये जो है भगवान खोदी इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ततो बहुत सारे किया है भक्ति योग के द्वारा, अंतिम समय ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रवेशुम च परंतः, आई बात समझ में, ज्ञातुम वो जानना संभव है, मैं जो ब्रह्मा जी को भगवान संगर जवान हम जथा भावो, जवान हम हमारा स्वरूप तत्व क्या है, जवान हम मेरा स्वरूप तत्व क्या है, जवान हम जथा भावो हमारा भाव क्या है, इच्छा क्या है, अप्राकृत इच्छा, जथा रूप गुण कर्म का। तो ये जो ज्ञातुम, ये ज्ञातुम मतलब मेरा स्वरूप ज्ञान हो जाए उसका, दृष्टुम स्वरूप ज्ञान के बाद भगवान का एप्रोप्रिएट जो यथायथ एप्रोप्रिएट दर्शन हो सकता, तत्तेन तत्व दर्शन वास्तविक दर्शन है। और प्रवेश तुम उसका बाद और एक चीज बाकी हुआ है भक्ति का बाद भी, और एक चीज बाकी ये है पराभक्ति, इसके द्वारा भगवान के हृदय में घुसना है। तत् ये बोला ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेशुम च परंतपः, ये जो प्रवेशुम च परंतपः इसका माने क्या है, प्रवेशुम च परंतपः मेरा अंदर में घुसना है, ये प्रवेशुम च परंतपः इसका मतलब मेरा अंदर में घुसने का सवाल है, अब मैं घुस सकता है कैसे, इसका ही खुलासा किया 11 नंबर अध्याय में 55 नंबर सुखे, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते विशते तदनन्तरम्, हमको स्वरूप हमारा स्वरूप ज्ञान होने के बाद भक्ति योग का क्रिया इतना गहरा हो जाए पराभक्ति, उसके बाद तदंतर मुझ में मेरा हृदय में वो प्रविष्ट हो जाएगा। ये प्रवेश का रास्ता एक ही है, ये प्रवेश का रास्ता एक है, दूसरा नहीं, वो है पराभक्ति या तो प्रेम भक्ति। तो आप बताओ गीता का फाइनल कंक्लूजन क्या है, पराभक्ति है, लेकिन उल्टा बोल रहा है आदमी, समझ में नहीं यार, पराभक्ति ब्रह्म भाव लाभ करने का बाद प्रेम भक्ति का आस्वादन होते रहता है। ब्रह्म भाव का मायावादी लोग दूसरा व्याख्या करे इसका गीता का, और ब्रह्म भाव का मतलब है भगवान का साथ भक्तों का इच्छा का लय हो जाना, भगवान का साथ भक्त का इच्छा का लय प्राप्त हो जाना, मैंने मेरे भक्तों का इच्छा भगवान का इच्छा, भगवान का इच्छा भक्तों का इच्छा, ऐसा जो लय प्राप्त हो जाना, ये ब्रह्म भाव। और मायावादी व्याख्या करे कि ब्रह्म ये जो श्लोक है इसका जो भक्ति पर व्याख्या है बलदेव विद्यावसन विश्वास जो बताया, और मायावादी लोग दूसरा व्याख्या करते, ब्रह्म भूतो प्रसन्न आत्मा न सचति न कांक्षति समहा सर्वेशु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो पराभक्ति किसको प्राप्ति हो सकता है, किसको पराभक्ति, इसका बारे में उत्तर दिया, ब्रह्म भूतो
भगवान का इच्छा, भक्तों का इच्छा मिल गया है एकदम। ये अचिंत भिदावे तत्व का बहुत गहरा विचार है। ये वाकई ये सच्चा बात है। वाकई ये राधा रानी और कृष्ण अलग नहीं, एक है, एकाकार हो गया। गौरांग महाप्रभु का अंदर, गौरांग महाप्रभु का जो तत्व है, ये गौरांग महाप्रभु का जो तत्व है, ये तत्व का अंदर अचिंत भेद तत्व का एग्जैक्ट साइंटिफिक एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़ा साइंटिफिक एप्लीकेशन ये गौरांग महाप्रभु का अंदर में ये अचिंत भेद तत्व का राइट एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा। वो क्यों महाराज? अरे राधा और गोविंद है, वो मिलकर पिसकर, जैसे कोई पिसा दिया, जैसे एक दूसरे को चंदन को पानी के साथ पिसा दिया, एकदम घिस दिया, और चंदन पानी इनसेपरेबल हो गया। चंदन और पानी ऐसा हो गया कि मुश्किल। अब ये है राधा गोविंद मिसकर एकदम आलिंगन करके एक दूसरे को ऐसा चिपक गया कि लगता है एक तत्व है, उसका नाम है गौरांग है। और गौरांग भूमिका में भी गौर तत्व विचार करे, उसमें भी गौर तत्व अचिंत भेदावत का जो एप्लीकेशन है, उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक एप्लीकेशन हो सकता है। क्यों? बोले राधा गोविंद मिलकर पिसकर एकाकार हो गया, कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं दिखा कर, सब गौर हो गया। बोले ठीक है, फिर भी अंदर में आस्वादन का खातिर दोनों का भाव अलग जरूर होनी चाहिए। आस्वादन का जो भाव है ये अलग होनी चाहिए, नहीं होने से आस्वादन कौन किसको करे? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचति न कंखति समहा सर्वभूतेषु समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो यो एकदम आगे चलकर भक्ति का गाढ़ा भूमिका, एकदम कठोर भूमिका, ये पराभक्ति व प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति अगर बढ़ते बढ़ते इधर प्रेम विधि क्रमे है नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। आगे आगे चलते चलते महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया समाप्त ये रूप गोस्वामी पाद को, जे मिश्री है, सीता मिश्री है, पहले उदाहरण गुड़ है, आंखें कैंडी है, कैंडी मतलब आंखें हैं, आंखें को मुड़ाई करके जूस बनाओ, उसका बाद चीनी बनाओ, गुड़ बनाओ है, चीनी बनाओ, उसका मिश्री बनाओ, मिश्र सीता मिश्री बनाओ, सीतापल, ऐसा करके जो टेस्ट वेरिएशन ऑफ टेस्ट, ऐसा करते करते आगे चले। तो यह श्लोक है, ये समझ में आ गया, ये सच्चा बात है। भक्ति के अलावा विदाउट द टच ऑफ भक्ति, भक्ति देवी का कृपा के अलावा, भक्ति देवी का कृपा का अलावा, टच के अलावा, भक्ति देवी का कोई स्पर्श नहीं हुआ तो ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, किसी मार्ग में, कर्म मार्ग में भक्ति देवी का अगर कोई संयोग नहीं है तो ये एक एक रास्ते में कामयाबी मिलना मुश्किल है। कर्म मार्ग में भक्ति देवी का टच होनी चाहिए, ये आरोप सिद्धा भक्ति बताया था, जब भी एक्चुअल भक्ति नहीं है याद होना चाहिए। तो ये जो कर्म मिश्रा, कर्म कर्मार्पण हुआ, कर्म पिश्रा, कर्म में कर्मार्पण हुआ, ज्ञान हुआ, ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे चलकर जब भक्ति हर रास्ते पे, योग का रास्ते में, ज्ञान का रास्ते में भक्ति देवी का थोड़ा बहुत टच होनी चाहिए, थोड़ा बहुत स्पर्श होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक एक रास्ते में कामयाबी मिलना संभव नहीं। भक्ति देवी के अनुग्रह के बिना, भक्ति देवी के अनुग्रह कृपा के बिना कोई भी किसी भी मार्ग में इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में?
अब आगे चलकर आ रहा है एकादश स्कंद का, तो बहुत सारे चर्चा हो सकता है लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से समय नहीं हो, आगे बहुत समय कम है। और ये द्वादश अध्याय में, ये द्वादश अध्याय में ये जो अर्जुन का पहला क्वेश्चन है, द्वादश अध्याय जो है ये पूरा भक्ति योग के बारे में डील किया हुआ है, तमाम ये भक्ति योग के बारे में ही चर्चा किया हुआ है। और इसमें शुरुआत का पहले थोड़ा चर्चा होना जरूरी है। बहुत आदमी का ये भावना है जे भोग और त्याग ये दो एक दूसरे का कॉन्ट्रेडिक्टरी, बहुत आदमी का गलत फहमी है ये महाराज, भोग और त्याग जो है कॉन्ट्रेडिक्टरी है, एक एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, टोटली अपोजिट। बहुत आदमी का ये गलत फहमी है। एलो का कहना है, मगर भगवान एलो का कहना है जब महाराज हमारा चित्त वृत्ति अगर जगत मुखी हो जाए, जगत का ओर जाए, तो ईश्वर मुखी होना संभव नहीं है। और ईश्वर मुखी ईश्वर का ओर मुख मोर लिया तो जगत मुखी होना संभव नहीं, कैसे दोनों का मिलावट हो सकता है? फॉलो क्या बोलो, ईश्वर का ओर अगर चित्तवृत्ति गया तो जगत का ओर जाना संभव नहीं है, और जगत का ओर जाए जगत का ओर जाए तो ईश्वर का ओर जाना संभव नहीं, ईश्वर का ओर जाए तो संभव नहीं। लेकिन गीता का उपदेश में पहले ही भगवान शुरुआत किया चर्चा जे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बात भूल गया आपने। कामना सुन्न होकर कर्म करना, यही तो उपदेश है ना। अर्जुन को युद्ध करने के लिए मना नहीं किया, भगवान वाला युद्ध करो, लेकिन अभिमान को त्याग करके युद्ध करो, इसमें तुम्हारा कर्म फल का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो कामना सुन्न होकर कर्म करना है, जिसका कामना है वो अनवरत कर्म करके बहुत काम कर सकता है कर्मी, लेकिन ये कभी है ना गीता का विचार में कर्मयोगी नहीं है, बहुत कर्म करते रहता है, बहुत कर्म करते रहता है ये। सो ये जो है गीता का पहले उपदेश है, कामना सुन्न होकर कर्म करो, जिसका कामना है वो कुछ भी बहुत सारे काम करे, लेकिन गीता का कैटेगरी में जो कर्मा कर्मयोग है इसका अंदर में नहीं, कर्मार्पण आदि नहीं हो सकता है। जो कर्मो करे सही प्रकृष्ट कर्मयोगी होता है। कर्मो और कर्तव्य इसका ऊपर जाना पड़ेगा, जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया और वैराग्यवान हो गया और कर्मो और कर्तव्य का ऊपर चला गया, कर्म करने का अधिकार इसका ही है, इसका बंधन का नहीं कारण बनेगी, वही प्रकृष्ट कर्मयोगी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, गीता में भोग बंद करो ऐसा नहीं बोला, युक्त वैराग्य का बात बोला, गीता में ये बोला है त्यागी होकर भोग करो, मतलब अटैचमेंट बिना अटैचमेंट भोग करो, तुम्हारा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए।
तुम भोग करो युक्तो वैराग्य का विचार लेकर तुम्हारा कोई बंधन नहीं बनेगा। त्यागी होकर सब भगवान का चीज है, भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतम जगतम यत्किंचित् जगतम जगत तेनो त्यक्तेन भुंजिता मां कश्यचित् धनम। सारे भगवान का प्रसाद है, विचार कौन करके विदाउट अटैचमेंट भोग करो। वैराग्यवान होकर कर्मो करो, कर्तव्य का ऊपर चलो, भगवान का विचार लेकर करो तो हो जाएगा। अर्जुन का ये सबसे बड़ा ये प्रश्न है अर्जुन का, एक नंबर अर्जुन का एक नंबर श्लोक है द्वादश अध्याय का। अर्जुन का ये प्रश्न है, एवं सततो युक्ता जे भक्तास्त्वाम पर्युवासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के जोगो वित्तम। आई बात समझ में। अर्जुन का प्रश्न है, एवं सततो युक्ता जे भक्तास्त्वाम ये भक्तास्त्वाम पर्युवासते ये च्वापि अक्षरम अव्यक्तम तेसम के योगवित्तम। अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णो अभी तक तुम्हारा जितना सारे उपदेश हुआ है, अभी तक जितना सारे उपदेश दिया है, इसमें मेरा समझ में आया कि योगी दो किस्म का है। एक प्रकार योगी समस्त शरीर और सामाजिक कर्मों को तुम्हारा अनन्य भक्ति का अधीनता श्रृंखल चेन इसमें चेन में लगा दिया। एक प्रकार का जो कि समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्म सकल को तुम्हारा अनन्य भक्ति का जो रास्ते में ये मैं उसको जोड़ दिया, अधीनता श्रृंखल में जोड़ दिया और तुम्हारा निर्मला भक्ति के द्वारा तुम्हारा उपासना करते रहते। दूसरा किस्म का योगी है जो शारीरिक और सामाजिक कर्म सकल को निष्काम कर्मयोग के द्वारा अकॉर्डिंग टू नेसरी प्रयोजन का अनुसार। अन्य प्रकार का योगी शारीरिक और सामाजिक कर्म सकल को निष्काम कर्मयोग के द्वारा अकॉर्डिंग टू नेसरी प्रयोजन का अनुसार स्वीकार करके अक्षर और अव्यक्तो स्वरूप तुम्हारा आध्यात्मिक जो अवलंबन करे। ये दोनों में कौन अच्छा है, ये दोनों का बीच में, दोनों का अंदर में कौन अच्छा है? एक है अक्षर और अव्यक्त स्वरूप तुम्हारा आध्यात्मिक जो अवलंबन करके तुमको विचार करता है, परब्रह्म परात्पर अखिलेश है ना, ये जो ऐसा करके ये दोनों में कौन अच्छा है? अर्जुन जानना चाहा ये दोनों में सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, ये जैसे प्रकृति माँ को हर वस्तु में प्रकृति में सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जैसे एक उदाहरण देते ये चंडी पाठ में आएगा समय। एक मैया है, मेरा माँ मेरा सामने है, गोदी में लेकर स्तन पिला रही है, और दूसरा एक माँ है अव्यक्त रूप में एकदम तमाम दुनिया में मैया का अनुभूति है प्रकृति माँ सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ये दोनों किस्म का अर्जुन का कहना है जे सखा रूपी कृष्ण जे मेरा दोस्ताना था, दोस्ती बड़ा अच्छा। एक किस्म का कृष्ण है मेरा दोस्त है, एक विश्वरूपी कृष्ण है, ये दोनों ही अच्छा है।
लेकिन दोनों में किसको पकड़ने से भजन भूमि में बहुत आसानी से चल सकता है। एक है मेरा दोस्त कृष्ण, दोस्ती है जिसका साथ दोस्ती हुआ याराना, सखारूपी कृष्ण और विश्वरूपी कृष्ण, ये दोनों तो यही है। एक को अनुभव में लाओ, चिंतन में लाओ और देख मेरा सामने खड़ा हुआ है एक जिसका साथ मजा मस्ती उड़ाओ कुछ करो। अब कौन अच्छा है सबसे? भक्ति रास्ते में, भक्ति के रास्ते में तुम्हारा प्रकट विग्रह, तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप का उपासना करी, तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप का उपासना करी और ज्ञान मार्ग में निर्गुण ब्रह्म का उपासना करी, ये दोनों में कौन अच्छा है ये बताओ, ये दोनों में कौन अच्छा है ये बताओ। अब भगवान चिंता में गिर गया, उत्तर देना है। एक मैया को कोई अगर पूछे, ये जो तुम्हारा छोटा लड़का है ये अच्छा है कि ये बड़ा लड़का है अच्छा है, दोनों में कौन अच्छा है, मैया का लिए उत्तर देना मुश्किल पड़ जाती, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही। अर्जुन का अनुभव यहां तक पहुंच गए, अब अर्जुन का प्रश्न आ रहा है, तो दोनों देख लिया मैंने, एक तो विश्वरूप देख लिया, अव्यक्त तो स्वरूप भगवान रह सकता है और एक यू नो अनंत रूपी हरि और दूसरा एक मेरा सामने खड़ा हुआ है। जो भी है, बलदेव विद्याभूषण हो या तो विश्वनाथ चक्रवर्ती हो बौद्ध हो या तो सीधा समीपद हो या भक्ति विनोद ठाकुर, तमाम एक ही बात बताया, ये सबसे बड़ा विचार ये है, समस्त साधन का जितना सारे उपाय बताया गया, जितना सारे तरह तरह का साधन का रास्ता बताया गया, इनमें से भगवत प्राप्ति का उपाय जो बताया गया उसमें शुद्धा भक्ति बड़ा पावरफुल है। शुद्ध भक्ति सबसे ऊपर है, शुद्ध भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति एकमात्र बलशाली है, पावरफुल है। ये द्वादश स्कंद में, द्वादश अध्याय में इसका बारे में ही चर्चा हो पाएगा। अब इसमें एक विषय आता है, जीवों का जो अपना स्वरूप है, ये पहले अगर समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान का साथ मेरा रिश्ता क्या है, दिव्य ज्ञान अगर नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तब तो मुश्किल है। जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा पहले समझ ले, जीवात्मा का स्वरूप यथाजत तो ज्ञात समझने का बाद ये समझ में आए, जीव भगवान हरि का विभिन्न अंश सो नित्यदास जरूर है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये समझ के ये हरि का ही अंश है, सर्व जीव प्रभु हर घट घट में भगवान भी बैठा हुआ है। ये विशेष करके जानने का बाद भगवान हरि को ध्यान करना आवश्यक है, नहीं तो उल्टा हो जाए। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने बताया भक्ति प्रकरण में, भक्ति प्रकरण उपक्रमे मतलब बिगिनिंग, जो मेरे को श्रद्धा युक्त होके मदगत चित्त होके भजन करते रहते हैं, ये सकल प्रकार योगियों का मतलब युक्त तमो अर्थात श्रेष्ठ तरो तमो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये विचार आ रहा है। जीवों का स्वरूप के बारे में पूरा ज्ञान हो उसका बाद ही वो आगे चल सकता है, संबंध का नहीं हुआ, जीव अपना स्वरूप को समझा नहीं, भगवत स्वरूप को समझा नहीं, भक्ति भजन रहस्य में भक्ति में बहुत सारे जीव स्वरूप भगवान का स्वरूप साधु साधन तत्व विरोध विषय सारे जो स्वरूप ज्ञान ये होनी चाहिए।
तमाम तत्वों का ज्ञान नहीं होने से हैं, जैसे अंधेरा का द्वारा उजाला का कन्फर्मेशन होता है, स्वीकृति होता है। अगर अंधेरा बोल के कुछ चीज नहीं है तो विशेष करके सम्मान प्राप्ति उजाला का कैसे हो सकता है? अंधेरा जो है, अंधेरा का विशेष है एक कंट्रास्ट है ना। अंधेरा है तो उजाला का जो ग्लोरी है, उजाला का जो महिमा है, ये समझ में आता है। तो चतुष्पोकी भागवत में भी ये बताया, जथावास जथा तमहा, स्वरूप ज्ञान को नेगेटिव चीजों के द्वारा पुष्टि प्रदान करो। मेरा बात समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलो गीत आज चतुश्लोकी का, ज्ञानम परमम गुज्यम यद विज्ञान समन्वितम सौरासन तदंग ज्ञान गुदित जवान हम जथावासो जथा जवान हम जथाभाव, ये जो श्लोक है, जवान हम जथाभाव जद रूप गुण कर्म का तथई तत्व विज्ञान स्तुति मद अनुग्रह अहम विवास मग्रे नान्यज सहसत्म पश्चात हम जदय चुज अवश्य स्वस्मी हम रीति अर्थम जत प्रतीयत, ये जो रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मानी तद विद्वत आत्मानमयम जथावास जथा तमह। यहां भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं स्वरूप ज्ञान, ये जो तुम्हारा दिव्य ज्ञान प्राप्ति का विषय है, अगर इसमें माया का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारा दिव्य ज्ञान, आपका दिव्य ज्ञान नहीं हुआ। आई बात समझ में? अगर किसी को दिव्य ज्ञान हुआ, अब भगवान का अवतार लगन लगा, लेकिन उसका माया का बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो माया का बारे में नॉलेज नहीं है तो पॉजिटिव विषय को नेगेटिव देके कन्फर्मेशन करो, समझा? इसको हमारा अंदर में जो दिव्य ज्ञान, इसका जो स्टेबिलिटी है, तभी हो सकता है कि दिव्य ज्ञान का ऑपोजिट क्या है, मेटेरियल ज्ञान कहां से आता है? मेटेरियल ज्ञान अज्ञान से आता है, अज्ञान कहां से आता है? माया से आता है। ये तमाम अगर ये नॉलेज को क्लियरली समझा नहीं तो कभी भी गिर सकता। दिव्य ज्ञान का स्वीकृति तब हो सकता, दिव्य ज्ञान का जो स्वीकृति है जब नेगेटिव चीज देकर पॉजिटिव को कन्फर्मेशन करो, इसका स्टेबिलिटी करो। रीति अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्वान आत्मानमयम जथाभास जथा तमः। सूर्य का जो रस्सी है, इसका जो ऑपोजिट चीज है, इसको कैसे है तुलना किया जाए? सूर्योदेव जो है, एक है सूर्योदेव ऊपर में है, इसका जो एक एक पानी का घट में है, हजारों पानी का घट रख दे, ये आभास है। एक ही चंद्रमा एक ही सूर्य देवता का जो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर में, ये आभास है। ये अगर नहीं समझे तो गलत फहमी हो सकता है कभी। तो सूर्यों का जो आभास है, सूर्य जब पानी के अंदर में उसका रिफ्लेक्शन है, ये आभास है। अतमो मतलब सूर्य जब पृथ्वी घूमते घूमते ऑपोजिट डिरेक्शन में चले जाए तो सूर्य का एब्सेंस, सूर्य का अनुपस्थिति। सचमुच बात तो ये है, सूर्य हर वक्त है ही है, सूर्य का अभाव नहीं है, सूर्य का कभी अभाव नहीं है, सूर्य है ही है, लेकिन पृथ्वी घूम के सूर्य को पीछा कर दिया, इसलिए अभी शैडो गिर गया। यथावास यथा तमह, ये जो तमो है, अंधेरा है, ये इसको समझना है। ये नहीं समझने से सूर्य देवता का मुहिया अधूरा रह जाए। आई बात समझ में? यही बात। अब ये बात आता है, ये अर्जुन का ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे मसला आएगा सामने। एवं सतत युक्ता जे भक्त स्वाम पर जुपास थे जे चापी अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के जोगोवित्तम। इसका अंदर में कौन सबसे बड़ा जोग का जनरल शब्द का इसका माने है भगवत प्राप्ति का उपाय, और टू गेट इन
to get in connection with Supreme Lord. ये बोलो, तो ये अर्जुन का जो प्रश्न है, ये प्रश्न रख दिया, लेकिन इसमें उत्तर आएगा यही पहला उत्तर, विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्यावसन सिद्धसाई पाद भक्ति विनोद ठाकुर सारे तमाम टीकाकारों ने ये बताया कि देखो ये जो भक्ति योग है सबसे बड़ा पावरफुल है, भक्ति प्रकरण में उपक्रम शुरू शुरुआत से लेकर जो हमारा चरण में श्रद्धा युक्त होकर मदगत चित्त बिल्कुल चित्तों का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मदगत चित्त होकर जो हमको भजन करते रहे हैं वो जो है ये योगी जो है भक्ति योगी जो है ये युक्त तमो अर्थात श्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। ये गीता का 6 नंबर अध्याय में 47 नंबर श्लोक में बता दिया भगवान, इसमें उत्तर दे दिया। और जो अव्यक्त स्वरूप का भजन करे इसका लिए तो मुश्किल है, इसी बात का ही खुलासा कर रहे हैं कि ठीक है जो अव्यक्त स्वरूप का भजन करे, भगवान उत्तर दे रहे हैं इसका 2 नंबर में अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहा है, दोनों का तो विषय बता दिया। भगवान अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन मज्जा मैया वेश्यो मनो जेमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तो तमामता मैयासक मैयावेश्यो, मेरा अंदर में आवेश आ गया। काल इस विषय में चर्चा होगा जे सदगुरु का कैसे पहचान है, कैसे पहचान है, बहुत आदमी बहुत लेक्चर दे सकता है लेकिन सदगुरु का कैसा पहचान है, इसका बारे में प्रभुपाद का क्या कहना है, इस विषय में काल शुरुआत में ही चर्चा करेंगे। एक वन किसम किसम किसी का इंडक्शन आवेश, इसका बारे में चर्चा करेंगे काल। और यहां मैयावेशो मतलब आवेश हो गया, आवेश मतलब तन्मय हो गया, तन्मय किसी दूसरा चीज नहीं है, तन्मय होने का मतलब तन्मय किसी चीज में खो जाना, किसी विषय में खो जाना, तन्मय हो जाना मतलब वो चीज छोड़ के दूसरा चीज बचा नहीं हृदय में, ये बिल्कुल तन्मय हो गया। इसका बारे में खुलासा किया भगवान, कह रहे हैं कि मैयावेश्यो मेरा अंदर आवेश हो गया, मैयावेश्यो मनु मन को मेरा अंदर में आवेश हो गया, जो मान नित्य युक्त उपासते जो नित्य युक्त होकर मेरे को उपासना कर, उपासना मतलब आदमी सोचता है कि फूल जल धूप धुना देकर ना, उपासना का मतलब ये तो है ही है लेकिन उपासना का और एक माने है उपो आशोना, अर्थात हर वक्त भगवान का सन्मुखीन होना, उपो आसन उपो मतलब भगवान का समीप, उपो उपासना मतलब उपोयुक्त आसना अर्थात भगवान का सामने आसन लगा लिया, मैंने गुरु उपासना करने के लिए गुरुजी के सामने आसन लगा लिया मतलब गुरुजी से मुंह नहीं मोड़ेंगे, गुरुजी से मुंह मोड़ लेना ये उपासना हुआ नहीं, तो उपासना का मतलब ये आदमी सस्ता आम आदमी समझता है उपासना का मतलब है अर्चन करना और फूल जल पानी तुलसी ये सब देखे वो तो है ही है, लेकिन उपासना का गहरा अर्थ ये है टू सेट योर आसन इन फ्रंट ऑफ भगवान, फॉलो भगवान का सामने आसन लगा लो, गुरु वैष्णव के सामने आसन क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो उल्टा रास्ता, इसे उपासना मतलब सन्मुखीन हो जाना सामने रहे उपासना। तो ये कहने का मतलब है मैयावेश मनो, मेरा अंदर में मन को आवेश लगाकर जो मैं नित्य युक्ता उपासते नित्य युक्त, नित्य मतलब कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप, मेरा सब उसका विच्छेद है नहीं,
हर वक्त एक कनेक्शन है मेरा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते हैं। भगवान कह रहे हैं जो लोग निर्गुण श्रद्धा जो गुण निर्गुण श्रद्धा माने उसमें कोई हेतु नहीं है, ये श्रद्धा में कोई हेतु नहीं है। फॉलो, जे लोग निर्गुण श्रद्धा का साथ हमारा श्याम सुंदर आकार में मनोनिवेश कर लिया, मन को तन्मय बना लिया पूर्वक सतत माने कंस्टेंटली नॉन स्टॉप अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति योग के द्वारा हमको उपासना करते रहते हैं, ये लोग श्रेष्ठ योगविद, ये सबसे बड़ा योगविद है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। मैया वेशो मनोजेवाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तोतम मता। भक्तपुर ठाकुर जी का कहना है निर्गुण श्रद्धा का साथ समस्त जिंदगी भक्तिमय बनाकर, भक्ति तन्मय हो गया, भक्तिमय बनाकर जो मेरे मुझ में मन को निवेश किया बिल्कुल एकदम लगन लगा लिया, ये व्यक्ति सकल सारे योगियों से ये सबसे बड़ा ऊंचा सगाई है, सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। भक्ति योग के द्वारा सारे संभव है, क्या नहीं संभव है। चक्रवर्ती बाद जी ने बताया मदियो अनन्य भक्तो युक्त तमा अर्थात योगोवित्तम अर्थात योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। इसका माने ये हुआ बाकी जो अनन्य भक्त के अलावा बाकी जो ज्ञान और कर्मादि मिश्र भक्ति कर्मार्पण भक्ति जो कुछ भी किया ये योगोवित्तर, ये योगोवित्तमो नहीं है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं है। सुपरलेटिव में भगवान बार बार गीता में भगवत में खुल्लम खुल्लो रख दिया, पूरा एकदम रखा दिया, पूरा खोल के रख दिया। जय भक्ति है एकमात्र भक्ति के द्वारा मैं विदित होता हूं, कुंती देवी भी ये सब खुलासा कर दिया। अनन्य भक्ति युग जो ये सबसे बड़ा ऊपर है ये बता दिया। और भगवान ने चौथा स्कंद में अष्टम स्कंद में नवम स्कंद में हर जगह भागवत में इधर उधर गीता में तो पल पल में बता दिया कि शुद्ध भक्ति सबसे ऊपर है। भगवान का कहना यहां तक समाप्त तो नहीं हुई, भगवान ये तो कह दिया और हर जगह भगवान ने ऐलान कर दिया मई भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते हैं। ये सारे भगवान ने कह के रख दिया। और तीसरा नंबर श्लोक जो है बारवा स्कंद का तीसरा नंबर श्लोक में भगवान खुलासा कर रहे हैं कि जेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर जुपासते सर्वत्रगम अचिंतन चो कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ध्यान से सुनना जेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर जुपासते सर्वत्रगम अचिंतन चो कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयो हो जे प्राप्नुवन्ति ममेव सर्वभूत हिते रता। माने ये है भगवान किंतु लगाया जेतु भगवान ने किंतु लगाया, किंतु इतना तो हमने बताया अर्जुन, किंतु जे लोग
तमाम इंद्रियों को कंट्रोलिंग में कर लिया, नियंत्रण करके सर्वत्र समदर्शन का विचार लाया, समदर्शन में प्रतिष्ठित हो गया। पूर्वक सर्वभूत में सर्वभूत हिते रहता, कोई भी प्राणी का नुकसान नहीं चाहता है, किसी भी प्राणी का साथ कोई हिंसा नहीं करता है, द्वेष हिंसा मास्टर जो कुछ नहीं है, ऐसा गहरा विचार हो गया। सर्वभूत हिते रहता अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्र अचिंतो कुटस्थो अचल ध्रुव मदियो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म स्वरूप के उपासना करें, ये लोग मेरे को ही प्राप्ति होता है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का भी, ईश्वर प्राप्ति का भी तरह तरह का विचार है। मेरे को प्राप्ति करता है ये लोग मेरे को प्राप्त करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही किस्म का प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का भी तरह तरह का विचार है। भगवान ये बताया जेतु इंद्रिय गामम इंद्रिय समूह के संयम नियंत्रित कंट्रोल करके सर्वत्र सकल वस्तु में सकल व्यक्ति के समबुद्धि समदृष्टि संपन्न होकर सर्वभूत हिते रहता शांत, मतलब सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता साधन हित साधने रत है। सब जीव का माँ कश्यसित धनम, ये उपनिषद में आता है। और ना कदाचित दुख भाग भवेत, ये सब उपनिषद का श्लोक है। सर्वभूत हिते रहता है, सर्व सबका मंगल हो जाए, कुशल हो जाए। अनिर्देशम अनिर्देशर अतीत, निर्देशर अतीत, अव्यक्त स्वरूप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, है अव्यक्त स्वरूप को कैसे निर्देश किया जाए, ये तो अव्यक्त है, अनंत ब्रह्मांड में इसका स्थिति है। अनिर्देशम निर्देश का अतीत है, अव्यक्त माने कोई रूप नहीं है, हैं रूप रहित, ये रूप रहित का मतलब है मायावादी बोलते हैं, ये तो लिखा हुआ है गीता में भी अव्यक्त। लेकिन अव्यक्त इसका व्याख्या ये है भगवान का विशेष रूप है, इस बारे में कल चर्चा करेंगे। अव्यक्त लिखा हुआ है लेकिन इसका माने ये आता है भगवान का अव्यक्त मतलब है, हैं इसका मतलब है प्राकृत रूप, भगवान का प्राकृत रूप नहीं है, अप्राकृत रूप है। ये हमारा जो हिंदी में निकाला था ना नीलाचले, नीलाचले वेदांत व्याख्या है, बंगला हिंदी निकाल गया, अंग्रेजी भी हो गया, लेकिन एडिटिंग करके निकालना है, सारे हो गया, सब रेडी पड़ा हुआ है, आदमी नहीं है, कौन देखेगा, चेकअप करना चाहिए। तो ये जो है अव्यक्त रूप रहित, रूप रहित माने अरूप, अव्यक्त ये जो माने हैं इसका मतलब है भगवान का अशेष रूप है, विशेष रूप है, फलो अर्थात अप्राकृत रूप है, प्राकृत रूप नहीं। अच्छा अनिर्देशम अव्यक्त सर्वत्र गो सर्वदेश व्यापी, साइमल्टेनियसली एट ए टाइम भगवान इज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, अनंत ब्रह्मांड में एक ही समय जुगपत एट ए टाइम भगवान का उपस्थिति है। अनिर्देशम अव्यक्तो सर्वत्र सर्वत्रगं अचिंतम, जी चिंता का तर्कातीत, चिंता का उठी कुटस्थ नित्य एक रूप, अचल बुद्धादि रहित, ध्रुवम नित्यम अक्षर, ये जो ब्रह्म इसका उपासना करते हैं, हैं ये हमको ही प्राप्त करता है, इसमें कोई शक नहीं। मौलाना लोग जो जो मुस्लिम भैया सब जो जो भजन करते रहते हैं, ये लोग को भी अगर पूछा जाए आप जो अल्लाह हो अकबर बोल के पूछते हो, अल्लाह हो बिस्मिल्लाह हो, हैं ये जो इसमें क्या आप भगवान का कोई रूप रूप नहीं दिखाई पड़ता, सच्चा बताओ किसका ध्यान किसको बुला रहे, ये झूठा कहे तो उल्टा बोलेगा, अगर झूठा नहीं कहे तो बोल देगा महाराज हाँ कुछ रूप आता है। अरूप का अनिर्देश रूप का
अव्यक्त रूप का अनंत रूप का भावना में लाना, अनंत रूप को भावना में लाना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं सुंदर रूप पकड़कर भक्ति योग को देने के लिए आया है। बहुत सीधा रास्ता है। एक बच्चा का बात कहानी सुना है, बहुत अच्छा। अरे जब भी याद होता है हम हंसते हंसते लुटपुट हो जाते हैं। एक दफे भाटिंडा में मेरा ठाकुर जी का इच्छा से कथा हुआ था, कथा हुई एक महीना पांच दिन, और भाटिंडा में कथा का बात कार्तिक महीना में। उसका बाद मैं पंजाब मिल करके फिर कलकत्ता दिल्ली मठ में आए माधव गोस्वामी महाराज का, वहाँ से उसका आविर्भाव तिथि का नेक्स्ट डे उससे चर्चा किया हरि कथा। उसका बाद कोई स्पेशल ट्रेन में चढ़ के बैठ गया, दुरंत तो होगा याद नहीं है या होके उधर। हम तो हर वक्त ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं भजन के लिए, जो कुछ भी चेष्टा करे, और नीचे सब लोग तो उठपटंग कर रहे हैं। और एक मुस्लिम बच्चा, मासूम बच्चा, मैया का कोख में बैठे हुए बच्चा, लड़का है, बच्चा है एकदम छोटा। वो बच्चा बार बार मेरा दाढ़ी को देख रहा है ऊपर। फिर बाबा के बार बार बातें नहीं कर सकता, इतना छोटा बच्चा है और बार बार दिखा देख रहा है मेरे को। अंतिम में मैया को ऐसे ऐसे कर, अम्मा अम्मा अम्मा, बोले माँ क्या हुआ, बोले अल्लाह है, बोलकर मेरे को दिखा दिया। हम तो हंसते हंसते के पागल बन गया। बोले ऐसा है, एक मुस्लिम बच्चा जो है वो भी देखो उसका भावना, वो अल्लाह बता दिया, मतलब अल्लाह का स्वरूप है। जो भी वो कहे, चिल्लाए, चीखे, चिल्ले, कुछ भी करे, वो अस्सी का वो एक डिनाई नहीं कर सकता कि अल्लाह का स्वरूप का भावना वो लोग करता है। जब भी बोलता है अल्लाह अकबर, जो भी है ऐसा करके बता दिया। और ये लोग भगवान का संग संग नियमेंद्रियो ग्रामम, संग माने सम्यक रूपे, सम्यक सम्यक माने एग्जैक्टली, सम्यक रूपे समस्त इंद्रियों को कंट्रोल में कर, कंट्रोलिंग में कर 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 लिया। और सर्वत्र समबुद्धयो, तमाम वस्तु बुद्धि में समबुद्धि कर लिया। आ ये लोग ते प्राप्नवंती माम एवो, हमको ही प्राप्त करता है सर्वभूत हिते रता। लेकिन ये जो भगवान ने अफर्मेटिव कर दिया, ही मेरे को ही है, ते प्राप्नवंती माम एवो, हमको ही प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म का भगवत प्राप्ति एक ही है, ना एक नहीं है, एक जैसा लगता है एक नहीं है कि नहीं है, तरह तरह का भगवत प्राप्ति के विषय। ये आपका ये जो हमारा बृहद भगवत भगवत अमृत का चर्चा चल रहा है, इसमें आएगा आ रहा है। आज चर्चा करने का समय नहीं है, ठीक पांच नंबर श्लोक का उच्चारण करके, श्लोक का पाठ करके खत्म करना है। क्लेशो अधिको तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर्दुक्षम देहो वधिर रवापते। अर्जुन का जो प्रश्न था, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वम परजुपासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तम तेसम के योगवित्तमा। इसका एग्जैक्ट उत्तर भगवान ने दे दिया, क्लेशो अधिक तरह स्तेषम अव्यक्ताशक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहो वद्वीर रवापते। आई बात समझ में, मा कुरु धनो जनो जोवन गर्वम हरति निमेषात् कालो सर्वम मयमयमिदम् अखिलम् हित्वा ब्रह्म पदम प्रविशो विदित्वा। वांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु पतितानन पावन वैष्णव्यो नमः।